হিচহাইকিং বা লিফট নিয়ে কেদারনাথ যাওয়ার যে পর্ব বা পদ্ধতি আপনারা দেখছেন, তার সাথে আজকে কেদারনাথে এমন কিছু মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো যারা সেভ সয়েলের বার্তা নিয়ে যাচ্ছে। একজন দম্পতি যারা দুজন বেরিয়েছিলেন, তাদের চলার পথে দুজন থেকে তারা নজন হয়ে গেছে, তাদের মুখ থেকে শুনে নেব তাদের সেভ সয়েলের বার্তা। আর এই রকম একটা পরিস্থিতিতে যে যেখানে প্রচুর পরিমাণে মাটি দূষিত হচ্ছে, সেখানে তাদের করণীয় কি, তারা করতে গিয়ে জানতে পেরেছে কেনই বা তারা করছে, তারই একটি বার্তা তাদের মুখ থেকে শুনে নেব। আসুন আসানসোলে সেই নবদম্পতির মুখ থেকে। আমরা সাইকেলে আমরা সাড়ে চার মাস হয়েছে এখানে। কদিন স্টে করছি এখানে? আমাদের আজকে তো কিছু মানুষকে পেয়ে গেছি যারা পুরো একদম মাটি নিয়ে কাজ করছে, প্রকৃতি নিয়ে কাজ করছে। আশা করি এরকম আরো কিছু। আপ কহাঁ সে হ্যায় ভাই? मैं उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ। किस से आया? पैदल नहीं क्या? मैं एक लिफ्ट सिंचाई कर रहा हूँ अभी। लद्दाख से साइकिल से आया था यहाँ। लद्दाख से साइकिल? साइकिल कहाँ पे अभी? साइकिल खड़ी है उत्तर गुप्तकाशी। गुप्तकाशी में क्यों साइकिल नहीं है? सेन क्यों पने खाने रहते हैं? सेन सेफ सोयल एक ता स्टिकर दिए से खूब भालो एक ता स्टिकर सबाई के सचेतन करछे आरो भालो लागछे। आर पासे হেলিকপ্টার জোন, হেলিকপ্টার এখানে ল্যান্ড করছে, এখান থেকে মানুষকে নামাচ্ছে বা এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে। मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से आई हूँ। क्यों आज से आए यहाँ पे? हम लोग साइकिल से भ्रमण कर रहे हैं पूरा इंडिया, और ये उत्तराखंड हम लोग का बारवा स्टेट है। और हम लोग का मैसेज है सेफ सॉइल, मिट्टी बचाओ। ये मैसेज पहले कोयम्बटूर के सदगुरु उन्होंने पहले ये मैसेज पूरा इंडिया इंटरनेशनल फॉरवर्ड किए थे, तो उन्हीं का मैसेज लेके हम लोग पूरा इंडिया अभी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और अभी तो हम लोग ये उत्तराखंड में हैं, यहाँ से हम लोग अभी तो केदारनाथ में हैं, और यहाँ से हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद हिमाचल, और उसके बाद लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से अभी हम लोग जाएंगे कन्याकुमारी। नहीं सदगुरु की हम लोग, हाँ वो उनका जो मैसेज है, हम लोग पहले जब निकले तो रास्ते में और एक भैया मिले थे, वो भी साइकिलिस्ट है और वो भी वेस्ट बंगाल के। उन्होंने बताया मिट्टी के बारे में कि मिट्टी का अभी परिस्थिति कैसा है, मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है ना, वो धीरे 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 गिरता जा रहा है और मिट्टी हम लोग का पूरा ख़राब हो रहा है। तो इसके लिए ये मैसेज हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना दर हो कि हम लोग पूरा इंडिया फॉरवर्ड कर सकते हैं और सबके सबके मतलब बता सकते हैं कि हम लोग का मिट्टी ख़राब हो रहा है। तो मिट्टी जैसे हम लोग मानते हैं, मिट्टी हमारी माँ है और माँ हमारी अभी बीमार हो चुकी है, तो सब लोग मिलकर मिट्टी को बचाया जाए। तो लोग कोई कोई सोचते हैं कि कैसे बचाए, तो हाँ कैसे बचाए, तो हम लोग का सिर्फ काम है मैसेज को फॉरवर्ड करना। हम लोग को सपोर्ट करने के लिए हैशटैग सेफ सॉइल करके पोस्ट कर सकते हैं कोई भी, हाँ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे हो गया मिट्टी के साथ या फूल के साथ, फूल के साथ फोटो लेके अपना हैशटैग सेफ सॉइल देके अगर कोई पोस्ट करता है तो वो काउंटिंग होता है बोर्ड के हिसाब से, उसके हिसाब से सरकार जब देखेंगे और ये मिट्टी का काम तब स्टार्ट होगा। अच्छा है, बहुत बढ़िया ये सोचा है। लेकिन आप कहाँ पे रहते हो विदाउट मनी आपको पास? हम लोग जब अभी तो हम लोग 10 जन हो चुके हैं यहाँ पे केदारनाथ में, अभी हम लोग टेंट लगा रहे हैं। जब हम दोनों अकेले थे तो बहुत सारे लोगों ने इंडिया में हम लोग का मतलब इतना अच्छे अच्छे लोग हैं, कभी हम लोग बाहर में नहीं रुके, घर में ही रुके हैं, खाना पीना रहना, जितना तक हम लोग का साइकिल खराब हो चुका है तभी बहुत लोगों ने मदद की। कहीं ना कहीं से हम लोग कोई ना कोई, हाँ, कोई ना कोई हेल्प मिलता है, हेल्प मिल जाता है, कोई ना कोई अरेंजमेंट हम मतलब वो बाबा का कृपा है तभी हम लोग यहाँ अभी आए हैं। और पूरा रास्ता में इन्हीं की मतलब इन्होंने इतना मदद किया है, आशीर्वाद है इनका कि हम लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी कोई हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं, पूरा फिट है, एकदम फिट। और यहाँ पे इतना सारे बंदा मिल गया जो अभी हाँ, में काम कर रहे काम कर रहे हैं। अभी 9 जन हो चुके हैं हम लोग साथ में, अभी बद्रीनाथ करेंगे उसके बाद सब अलग हो जाएंगे, फिर अकेले अकेले हो जाएगा अभी तक।